अबे बच्चों अब तो सर्दियाँ आ रही है, नई नई शादी होंगी लोगों की, रोमांस होगा, कितना मजा आएगा, ये मेरे सपने। अरे ओ थम जाओ, बावली बातें तो करो मत, ऐसे तो कुछ भी ना होने का है। अगर ऐसे ना होने का तो फिर कैसे होगा भाई? अरे सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ तो उल्टा ही होता है सर्दियों में। उल्टा हो गए क्या मतलब? तुम कर रहे हो शादी और रोमांस की बातें, हमें पहले खांसी होगी, फिर बुखार होगा और तो और जुकाम भी होगा। क्या रो रहा है? अरे आ ना सर, मेरी बीवी मेरे ड्राइवर के साथ भाग गई। मेरी बंदी मेरी बीवी भाग गई ड्राइवर के साथ, तो मैं चुप कराओ, बेचारा रो रहा बीवी के गम में यार। अरे सर बीवी के गम में ना रो रहा, बीवी पे तो तुम खाक डालो, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, मेरी गाड़ी कौन चलाएगा? बेटा तेरी गाड़ी तो कोई भी चला लेगा, पर मुझे बेहद दुख है अपनी बंदी के तेरी बीवी के भागने का। अरे मास्टर जी बहुत कांड करे हैं अपनी जिंदगी में, एक ऐसा रास्ता बता दो स्वर्ग जाने का बिल्कुल सीधा सा। स्वर्ग जाने का ऐसा सीधा रास्ता बता दूंगा बेटा, मौज ही आ जाएगी। तो बता दो ना बेटा, स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता, माँ के पैर दबाओ। सर वो तो हम रोज दबाव है, पर हम पापियों का मन ना मानना फिर भी। बात पूरी सुन पहले, अबे माँ के पैर दबाओ बेटा, फिर चाहे वो तुम्हारी हो या तुम्हारे होने वाले बच्चों की। अबे हंसो बेटा, चैप्टर साइंस का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति आ रही है, ये रही तुम्हारे सामने, कि मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा खड़ा हो जाए तो पूरा कर, खड़ा होते ही जैक लगा ले कमर में, को जवाब दे जल्दी। चांद ने कहा, हाँ चांद ने कुछ यूँ कहा कि पहले तो मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, और दूसरी बात इतनी ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, और तीसरी बात इस सब नौटंकी में ना मुझे घसीटने की जरूरत नहीं है। अरे तूने तो पंक्ति के पापड़ से सेक दिए, शाबाश बेटा शाबाश शाबाश।